हाय गाइस, कि मेरे दुबई की वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा था उन लोगों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो डे फोर में मैंने विज़िट किया बुर्ज खलीफा। आप इसके 148 लेवल पे जाके ऑब्जर्वेशन डेक से दुबई का व्यू देख सकते हैं। वहाँ से मैं निकल गई बॉलीवुड पार्क, जो कि एक पहला थीम पार्क है इस वर्ल्ड में जो बॉलीवुड को डेडिकेटेड है। इसमें आप थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक, सिनेमैटिक राइड्स और कई टाइप की एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। इट फील्स लाइक यू आर इन यूरोप। जाते हुए शाम को मैंने यहाँ पे सलमान खान के लुक अलाइक की परफॉर्मेंस भी देखी थी। मैं आपको थिएटर का भी ग्लिम्स दिखा देती हूँ। यहाँ से फ्री होके हम चले गए कॉन्ड्रांट होटल मेसन रोड, जो कि नाइट लाइफ के लिए बेस्ट जगह है। डे फाइव में मैं गई स्की दुबई, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट और एडोरेबल जगह लगी। दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे जो कि एक बहुत ठंडी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी फील आती है। ठंड से बचने के लिए आपको ग्लव्स एंड फुल कवर्ड कपड़े दिए जाते हैं जो आपको थोड़ा वार्म रखते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्नो स्लाइड्स, स्कीइंग, ट्यूब गेम्स एंड कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, एंड बच्चों के लिए तो बहुत ही सही जगह है ये। इसके बाद अपने होटल से चेकआउट कर मैं निकल गई एटलांटिस द पाम वन नाइट स्टे के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। जब भी आप दुबई जाएं एक नाइट तो आपको यहाँ पर ज़रूर रहना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंड फेमस वाटर पार्क है। आप यहाँ पे डॉल्फिन शो भी देख सकते हैं, अंडर वाटर एक्वेरियम भी है, 23 रेस्टोरेंट्स भी हैं एंड बहुत सारी शॉप्स भी है। एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए कन्वेंस आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो इसी के साथ मेरी दुबई की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।